हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कल के लिए बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे कमेंट्स के वीडियो में इतना प्यार दिखाया कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने दिल से मेरा कमेंट सबको इन्हें पढ़ा और मतलब पढ़ा के सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स तो आप लोगों ने ही लिखा था और एक दूसरे कमेंट्स जो आप लोग सुनते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबको पता होना चाहिए मेरे सब्सक्राइबर को कौन क्या किसके बारे में सोचता है। तो चलिए, आज मैं कमेंट्स लेकर आई हूँ दो वीडियो के, और कल के कमेंट्स के वीडियो में मुझे कुछ मैसेजेस आए थे तो वो भी मैं पढ़ के सुना दूँगी। और थैंक यू सो मच जो मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, मेरे घर के व्लॉग्स देखते हैं, उनको भी दिल से थैंक यू। तो चलिए, मैं सबसे पहले कल गुनगुन और उसके पापा के जो कॉन्वर्सेशन होते, जिसमें राधिका की मम्मी भी आके इन्वॉल्व हुई थी नए फ्लैट में भाई, तो उसका मैं पहले शुरू करती हूँ पढ़ना। तो उसमें सबसे पहला मैसेज है जूनू कुसुली, ये शायद मुझे नई ज्वाइन की है, तो वेलकम टू माय फैमिली। तो इन्होंने लिखा है, क्या लालच दिया गुनगुन के पापा ने आंटी। गुनगुन समर से प्यार करती है इसलिए पापा सपोर्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको। जब देखो गुनगुन की, गुनगुन के बारे में ये किया, गुनगुन वो किया, गुनगुन के पापा गुनगुन के फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलते, तू खाना नहीं पर अच्छा, मैं अगर गुनगुन के फैमिली या उसके गुनगुन वाले नहीं बोलती तो मुझे खाना नहीं पचता है। नहीं नहीं, मेरा पाचन शक्ति बहुत अच्छा है, मुझे इन लोग की ज़रूरत नहीं है मेरे डाइजेशन को ठीक करने के लिए। फिर क्या समर ने और राधिका फैमिली ने बहुत गलत किया है गुनगुन के साथ। अच्छा, आपका कहना है जब देखो गुनगुन के बारे में ये किया, गुनगुन ने वो किया, कोई पापा गुनगुन कोई फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलते तो खाना नहीं पचता क्या। समर ने और राधिका फैमिली ने बहुत गलत किया गुनगुन के साथ। समर, राधिका यहाँ पे क्या गलत की है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी इंसान डिप्रेशन में जाता है, उसकी मम्मी हाथ जोड़ जोड़ के बोलती है कि मेरे बेटे से शादी कर लो, और वो बेवकूफ़ की तरह कर ले, यही गलती राधिका से हुई है। और दूसरी बात है, अगर गुनगुन के पापा गुनगुन से इतना ही प्यार करते और गुनगुन समर से इतना प्यार करती है, वो प्यार को गुनगुन के पापा समझते, तो गुनगुन के पापा उस टाइम में समर को नहीं मारते। क्योंकि समर से जब गुनगुन की स्टार्टिंग में शादी हुई थी, अगर आपने देखा होगा तो समर को गुनगुन से शादी ना हो किडनैप भी किया गया, गुनगुन के लिए समर को मारा भी गया, दोनों बाप बेटा आते मारते, तब समर तो एक ज़रा पसंद नहीं था। गुनगुन का घर नहीं बसाने देने के पीछे गुनगुन के फैमिली का ही बहुत बड़ा हाथ है। तो तब के समर को बहुत प्यार करते थे या समर उनको क्या हो गया था जो गुनगुन के पापा को अभी इतना प्यार छलक रहा है और तब प्यार नहीं था। ये सब नाटक है, ये सब कुछ नहीं है। गुनगुन के पापा जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है। उनको बस ये अभी दिमाग ख़राब हो रहा है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है, उस बच्चे को मैं कहाँ से परवरिश दूंगा भाई, मेरे ऊपर बोझ है, एक लड़की है और इसका बच्चा, इसे जिसका बच्चा उसके पास ही जाए। इसलिए तो समर करते रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटी के लिए। बेटी से जब ध्रुव की शादी हो रही थी उस टाइम में भी टाटा बाय बाय हो गए थे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके, कि तुम्हारा चलो पिंडदान कर दिया, ये जीते जाते इंसान का पिंडदान कर दो और उसके बाद फिर आ जाओ बेटी बेटी करने, ये कैसे फादर है। ऐसे फादर के आपके घर में हैं? मेरे घर में तो ऐसे फादर नहीं है भाई, इसलिए मुझे ये सब बहुत अटपटा लगता है। और सेकंड थिंग इज़, मैं यहाँ गुनगुन का या गुनगुन के फैमिली का या समर का या राधिका का मैं सपोर्ट नहीं करती, मैं यहाँ सपोर्ट करती हूँ सच चीज़ का। जो चीज़ मुझे ठीक लगती है मैं उस चीज़ की सपोर्ट करती हूँ, मुझे जहाँ लगता है ये गलत है मैं उसका सपोर्ट कभी नहीं करती, चाहे मेरे पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना हो, मैं सपोर्ट नहीं करती वो गलत चीज़ को। और यही चीज़ मैं समर के ब्लॉग को देख के करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है समर के ब्लॉग के ऊपर बोलना, मैं बोलती हूँ पर सही चीज़ के ऊपर बोलती हूँ, गलत चीज़ के ऊपर नहीं। मैं समर को भी उस दिन बोली, समर मुझे बहुत अच्छा लगा तुम राधिका को लेके तुम नैनीताल गए हो, अब लग रहा है कि हाँ तुमको समर भाई बोलना चाहिए। पर अभी उस दिन मुझे समर को इतना गुस्सा है, परसों के वीडियो में जब गुनगुन उसे चुपके से मिलने आई और समर ने राधिका से बात छुपाया, वो अगर लॉयल होता राधिका के प्रति तो राधिका को बताता कि मैं गुनगुन को बुलाया था तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे एब्सेंस में, क्योंकि मुझे उससे ये कॉन्वर्सेशंस करनी थी। पर उसने क्या किया, वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। ऐसा डिलीट किया अपने चैनल से कि आप लोगों बहुत कोई सब्सक्राइबर को मेरे नहीं मिला है ये वीडियो देखने को। तो ये बात समर की मुझे समझ में नहीं आ रही, ना ही हजम हो रही है। तो बस कीप मैसेजिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ऐसे सवाल किया, पर
मैं जो सोचती हूँ मैंने वह आपको कन्वे किया है। ओके, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। फिर गंगा जी का मैसेज उन्होंने लिखा है, समर की मॉम कहाँ मर गई पता नहीं, लगता है तभी पार हो गई है। फिर मारिया जी ने मुझे मैसेज किया है, मारिया जी ने कहा, आई स्वेयर सिस्टर एग्जैक्टली राइट, नो बेबी नो बाबा ऑल पिलो पैकिंग स्टूपिड पीपल, वी आर ऑल्सो मैरिड एंड हैविंग वन चाइल्ड बट वी नेवर यूज टू कैच आर स्टमक बिकॉज द बेबी इज फॉलिंग, आवर पेरेंट्स ऑल्सो नेवर अलाउड अस टू वेयर जीन्स एंड टाइट क्लोथ्स, ऑल बुलशिट्स जस्ट मेकिंग अस मैड, दैट्स इट। So how was your daughter's paper? She must have done it very well because you are a smart girl and bless you and your children. Thank you so much, Maria ji. Thank you so much. I appreciate your messages. I appreciate your blessing. आप मुझे मेरे बच्चों को ब्लेसिंग देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। एंड आई डू बिलीव कि आपके घर वाले आप बहुत अच्छे हो, आप लोग भी अच्छे से रहो, आप लोग को भी जीजस बहुत अच्छा रखे। थैंक यू सो मच, आप लोग को सबको अच्छा रखे। और हाँ, मेरी बेटी का पेपर्स बहुत अच्छा जा रहा है, और कल है साइंस का एग्ज़ाम। आई डोंट नो हाउ शी विल डू, बट सबसे ज़्यादा मुझे डर मैथ्स में लगता है। तो चलिए फिर मैं अनीता जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, अरे भाभी जी, गुनगुन कहाँ प्रेग्नेंट है, 8-9 महीने हो गए बच्चे का इंतज़ार करते करते, कभी पेट में कपड़ा ठूस लेती है, कभी बाहर निकाल देती है। मेरा बाबू हुआ था 6 महीने, पेट भर बाहर आ गया था, और इसका तो पेट अंदर, कभी कभी बच्चा पेट पे बाहर निकल कर घूमने चला जाता है। एकदम सही कहा अनीता जी, मुझे भी समझ में नहीं आता इसका प्रेगनेंसी। ताशी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला, समर सुधरने वाला नहीं है, पलट जाएगा। सही कहा ताशी जी अपने। कंचन जी ने लिखा है, समर डॉग है, जब उसको पता चलेगा उसका पापा ने उसको फ्लैट और सोफ़ा गिफ्ट किया है, तो वो गुनगुन के पास चला आएगा, एक नंबर का लालची है। सही कहा। जोसफिन जी ने फिर लिखा है, सिस्टर गुनगुन फादर थ्रोइंग ग्रेन फॉर समर्स टू ईट, लेट्स सी हाउ फार इट वर्क्स। यस, वी आर गोइंग टू सी, एंड टुडे इज द मोस्ट अवेटेड डे बिकॉज ध्रुव विल मीट गुनगुन। वाह, मुझे तो बड़ा मजा आएगा गुनगुन से जब ध्रुव मिलेगा, मतलब देवदास और पहाड़ों की जोड़ी हो। फिर आशा रजक जी जो मुझे नई नई ज्वाइन किए, वेलकम टू माई फैमिली, लिखा है, दीदी वीडियो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर महिमा जी ने लिखा है, हाँ जी के हो गया, इसका हो गया, अच्छा। चंद्रवती जी ने लिखा है, समर फेरी वाला है, गुनगुन का बच्चा पेट ही सूख गया है, इसलिए पेट सिकुड़ गया है। सही कहा आपने। मुस्कान जी ने लिखा है, बेबी बाबा। नंद किशोर जी ने लिखा है, गुनगुन और उसका पूरा खानदान किसी भी काम के नहीं है, इनके कोई सिद्धांत नहीं है, तभी तो इनकी आज यह हालत हो रही है। अगर इन्होंने ठीक स्टैंड लिया नहीं लिया तो इनके हालत भविष्य में भी खराब होंगे, ये बहुत समझने की बातें हैं। ठीक कहा आपने नंद किशोर जी, सच में समझने की बातें हैं। रेणु गुरंग जी ने लिखा है, ये गुनगुन बेशर्म लड़की है। सही कहा। फिर आपने लिखा, सही बोला सिस्टर, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ हार्ट। अभियंतन जी ने लिखा है, सचमुच दीदी वीडियो बहुत मज़ा आया देख के, कितना अच्छा बनाता है वीडियो, अभी गुनगुन को पता चलेगा, अभी राधिका और मम्मी का भी घर पे होना नहीं देंगे, समर को राधिका बहुत कंट्रोल करके, जो भी हुआ अच्छा हुआ, गुनगुन के साथ ये ही होना चाहिए था, फ्रॉम नागालैंड। सही कहा आपने, अभी देखते हैं और क्या क्या होता है। फिर जयश्री जी ने लिखा है, अभी पैसा लालच ख़त्म हो गया, अभी भी अमाउंट का फ्लैट दिख रहा है, लेकिन समर का कोई भरोसा नहीं, फ्लैट देखकर फिर फिसल जाएगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर जयश्री जी लिखा है, दीदी ये बुढ़ा कितना हरामी है, हाथ धो के पीछे पड़ा है राधिका के, इतने सुनाया समर ने, फिर भी बुढ़े के दिमाग में कोई बात बैठी नहीं, राधिका की ज़िंदगी ख़राब करने में लगा हुआ है, एकदम उसको सब अपनी बेटी की चिंता है। गीता जी ने लिखा है, आप सही बोल रहे हो सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो झटपट मैं मैसेजेस पढ़ लूँ। मेरी रिहाना बहन, मेरी खुशी बहन, किसी का कोई मैसेजेस नहीं है, और देख लेती हूँ दूसरा वीडियो जिसमें ध्रुव देवदास बनाया, प्लीज़ मुझे एड्रेस दे दो एड्रेस, उसमें मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं जिसमें मैं पढ़ रही हूँ। ताशी जी का पहले, अंकित एंड गुनगुन ने तो पुलिस सामने ध्रुव के साथ डिवोर्स हो गई, हाँ पुलिस के सामने बोला था डिवोर्स हो गया है ध्रुव से, इतने झूठ बोलते हैं बेशरम खानदान। सही कहा आपने।
ताशी जी ने फिर लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, विद लॉट्स ऑफ हार्ट, थैंक यू सो मच। खिंतुजर जी ने लिखा है, बाय बाय बेटा, दीदी समर भाई ने इस बार बहुत अच्छा किया एड्रेस दे दिया। जयश्री जी ने लिखा है, दीदी बहुत अच्छा हुआ समर ने गुनगुन का एड्रेस दे दिया, अभी बुढ़े को पता चलेगा गुनगुन के लिए कौन लॉयल है और कौन गद्दार है। पैसा देकर समर बेईमान है, ध्रुव को कुछ नहीं मिला फिर भी गुनगुन के लिए देवदास बनकर घूम रहा है, वारे दुनिया। सही कहा। जोसुन जी ने लिखा है, सो ट्रू यू सिस्टर, गिव डायलॉग सुटेबल टू द व्लॉग, हैट्स ऑफ टू यू सिस्टर, आई बी पेशेंट टू हियर यू मोर देन सीइंग दीज पीपल नॉनसेंस, थैंक यू सो मच जोसुन जी। फिर आपने लिखा, ओ यस सिस्टर, ही डिड नॉट वॉन्ट राधिका टू नो दैट गुनगुन केम ऑन द स्लाय, दैट इज़ वाई द वीडियो वॉज नॉट सीन बाई मेनी व्यूअर्स, एग्जैक्टली वॉट यू सेड। फिर आपने लिखा है, सिस्टर हाउ टू गिव कमेंट ऑन ए शॉर्ट वीडियोज, कमेंट डज नॉट कम अप, सो आई गिव लाइक। कोई बात नहीं है, यू गिव लाइक दैट्स इनफ फॉर मी, एंड वेन एवर यू आर कमेंटिंग मी, मुझे वहाँ मिल जाएगा, मैं आपको वहीं पर्सनली रिप्लाई कर दूँगी, थैंक यू सो मच जोसिन जी। फिर आपने लिखा है, ध्रुव एंड गुनगुन हैव नॉट डिवोर्स्ड ईच अदर, दैट इज़ व्हाई ही इज़ डूइंग सो मच हंगामा, ध्रुव टेल समर गुनगुन कैरीज ऑन समर, समर आई विल गेट इट आउट ऑफ हर हेड एंड प्रूव टू हर एंड आई विल गिव हर फादर अ पीस ऑफ माई माइंड, गुड ओल्ड मैन नीड्स इट। फिर आप फिर किसका मैसेजेस था, अनीता जी का, उन्होंने लिखा है, लगता है ध्रुव पागल हो गया है गुनगुन डायन के लिए, गुनगुन कभी ध्रुव का नहीं होगी, नकली नाली की कीरा को ना बाहर निकालो तो बाहर रहना पसंद नहीं करते हैं, उसी तरह कितना गुनगुन को ध्रुव, गुनगुन इज्जत देगा लेकिन गुनगुन इज्जत से रहना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि गुनगुन हो गई बेशरम औरत, कमीनी पति का मतलब गुनगुन नहीं समझती है डायन। सच में पति का मतलब नहीं समझती है। फिर आपने लिखा है, भाभी जी अंकित तो बोल रहा था कि गुनगुन और ध्रुव का डिवोर्स हो चुका है, फिर ध्रुव क्यों इतना परेशान है, कोई डिवोर्स नहीं हुआ अनिता जी, झूठ बोल रहा था, इसका भाई के रग रग में झूठ, गुनगुन के रग रग में, उसके पापा के रग रग में झूठ बसा हुआ है। फिर देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो, नहीं किसी का मैसेज नहीं है, अब मैं अपने जो मैंने कल कमेंट छोड़ी थी उसके उसमें कुछ मैसेजेस मुझे आए थे, उनके मैसेज पढ़ लूँ। पहले शांति देवी का मैसेज है, शांति वर्मा जी ने लिखा है, समर का वीडियो नहीं मिला, बहुत देखा, डिलीट कर दिया है लगता है, हाँ डिलीट कर दिया उन्होंने। गंगा सिंह जी ने मुझे थम्स अप भेजा है, थैंक यू सो मच। कुसुम जी लिखा है, समर आपका वीडियो देख हम लोग तो शर्म आता है, समर राधिका इज़ ब्यूटीफुल बेटी की है, गुनगुन बेशरम से जुड़ जाना है आपको सिस्टर, आपका बेटा क्यूट है, गुड बाय बाय, थैंक यू सो मच कुसुम जी। फिर रीमा जी ने लिखा है, समर और गुनगुन का वीडियो नहीं मिला हर्षा जी, नहीं मिलेगा रीमा जी, उसने डिलीट कर दिया है। फिर आपने लिखा है युवान को, नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। गुंजा जी ने मुझे मैसेज किया है, समर दोनों को उस कर रहा है, यूज़ कर रहा है, समर को शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर आपने युवान, अच्छा फिर आपने लिखा है, समर मिलता है गुनगुन से तभी तो समर के पीछे भागती है गुनगुन, एकदम सही कहा, एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। फिर आपने लिखा है, खुश रहो बेटा, पढ़ो लिखो और बनो साहब, आपने ये विवान के लिए लिखा था, थैंक यू सो मच गुंजा जी, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। ताशी ने लिखा है, समर गुनगुन का वीडियो नहीं मिला, नहीं मिलेगा ताशी जी, उसने डिलीट कर दिया, बड़ा होशियार बंदा है। फिर शांति जी ने लिखा है, ये रियल नहीं है लग रहा है, ध्रुव का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, कहानी तो ऐसे बनाई कि वो सच्चाई लगे, ये तो सब पात्र बनावटी लगते हैं, सभी बनावटी है क्योंकि ये सीरियल है, ये रियल रियलिटी कुछ नहीं है शांति वर्मा जी। फिर आर सी मिसो जी ने मुझे बहुत दिन के बाद लिखा है, अरे समर तो गुनगुन के साथ दूसरा बच्चा बनाने के लिए फिर से चिपकना शुरू हो गया है, वाह वाह वाह। अच्छा अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो, झटपट पढ़ लूँगी, नहीं किसी का मैसेज नहीं है, सबका मैसेजेस मैंने पढ़ लिया। तो ये थे मेरे मैसेजेस के सिलसिले, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आप लोग बहुत अच्छे से देखोगे, अपने अपने मैसेजेस को सुनोगे, और प्लीज़ मुझे से प्यार सपोर्ट करते रहना, अगर मुझसे कोई शिकायत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अपनी शिकायत को, आपकी शिकायत को दूर करूँगी। तो चलिए फिर से बाय बाय, और फिर मिलती हूँ नए वीडियो की ओर, और मैंने घर का ब्लॉग भी छोड़ा है, प्लीज़ थोड़ा प्यार दीजिएगा, देखिएगा कि मैं कैसे जीती हूँ अपनी ज़िंदगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।